तो ये क्वेश्चन है इसमें समेशन ऑफ ट्रिगनोमेटिकल सीरीज ये ट्रिग्नोमेटिकल कुछ सीरीज दी हुई होंगी इस तरीके की और उनका हमें समेशन करना है जोड़ना है अब जोड़ने का तरीका क्या है कि जो सीरीज दी हुई हो जैसे एस एस में दी हुई होगी सारी सीरीज तो हम जो है इसे एस लिख लेंगे अगर ये एस में दी हुई हो तो इसे हम एस सीरीज मानेंगे और इसके साथ एक सी सीरीज अपने पास से लिखेंगे वो अपने पास से कैसे लिखी जाएगी अपने पास से सी सीरीज जैसे ये साइन अल्फा है तो यहां से लिख लेंगे हम कोस अल्फा प्लस सी कोस अल्फा प्लस बीटा यानी कि जहां पे भी साइन है वहां पर हम कोस लिख लेंगे तो ये सी सीरीज कहलाती है जैसे एस सीरीज थी साइन वाली सी सीरीज हो जाएगी कोस वाली अब इस वाली सीरीज में आई से मल्टीप्लाई करके और सी के साथ जोड़ेंगे मतलब सी प्लस आई एस ऐसे करके लिखेंगे इसमें आई से मल्टीप्लाई करके तो कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा नेक्स्ट <coughs> वाली टर्म देखो क्या आएगी सी कॉमन और कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा फिर नेक्स्ट सी स्क्वायर अल्फा प्लस टू बीटा और ये अल्फा प्लस टू बीटा इस तरीके से आगे तक लिखते चले जाएंगे ये बताओ ये किसके इक्वल है थ्योरम पढ़ी है हमने क्या था ये, ये क्या था और ठीक है तो इस प्रकार से हम इन्हें लिख लेते हैं अब इनमें हम देखें ध्यान से तो ये देखो ये ई टू दी पावर आई अल्फा है ये एक सीरीज बनी हुई है और अगर हम चाहें ये टर्म ए है बताओ ये कौन सी सीरीज बनी हुई है पता कर सकते हो तुम इसका हम्म इसमें से ई टू दी पावर आई अल्फा चाहो तो कॉमन भी ले लो तुम ये ऐसे भी सीरीज का मालूम पड़ रहा है चलो ई टू दि पावर आई अल्फा कॉमन लेता हूँ फिर और आसान हो जाएगा उसे पता करना वन प्लस सी ई टू दावर आई बीटा प्लस सी स्क्र ई टू दावर आई टू बीटा इस तरीके से ये सीरीज हो गई बता सकते हो कौन सी सीरीज है ये मतलब हमने दो सीरीज पढ़ी है एरिथमेटिकल और जियोमेट्रिकल तो बताओ कौन सी प्रो जी बन रही है ये है ना और ये जी जब बन रही है तो इसका हम सम निकालेंगे कैसे निकालते थे सम ऑफ जोमेटिकल प्रोग्रेशन ए ए तो हमारा वन हो गया और वन माइनस आर टू पावर एन ई टू पावर आई बीटा टू द होल पावर एन ये हो गया और अपॉन वन माइनस आर सी ई टू पावर आई बीटा ऐसे हम लिख लेंगे इसे अच्छा इसे अब थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो e टू पावर आई एल्फा मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी माइनस सी ई टू द पावर आई एल्फा और प्लस एन बीटा ठीक है ना जब पावर की पावर है तो इन इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी आई बीटा टू द होल पावर एन या आई इसमें से कॉमन ले लेंगे और ये हमारा हो जाएगा आई कॉमन लेने के बाद एल्फा प्लस एन बीटा क्लियर हो रहा ना ये कैसे करा हमने है ना भैया पावर आई बीटा टू द होल पावर एन है इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो आई एन बीटा होगा ये और जब आई एन बीटा होगा तो आई देखो ये आई एन बीटा ही तो है आई हमने कॉमन ले लिया है इस प्रकार से हमने इसकी मल्टीप्लाई कर ली और नीचे जो है नीचे भी हम इसी प्रकार से इसे हम रख लेंगे वन माइनस सी आई बीटा और इसको अब रेशनलाइज करेंगे परिमेयकरण रेशनलाइज कैसे करते थे हम कि इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे किसकी वन माइनस सी e टू दी पावर माइनस आई बीटा की क्योंकि प्लस आई बीटा है जिसे इसे करेंगे तो माइनस आई बीटा लिख लेंगे और ऐसे ही ऊपर भी करेंगे हम 1 माइनस सी ई टू दी पावर माइनस आई बीटा ऐसे हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी अच्छा मल्टीप्लाई करके अब लिखेंगे इसे तो ये तो आ गया हमारा वहां पे मल्टीप्लाई करनी है उसमें और नीचे भी मल्टीप्लाई करनी है नीचे वाले डिनोमीटर की भी मल्टीप्लाई करनी है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की ही मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ पे तो देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखो कित कितने आ रहे हैं डिनोमिनेटर लिखो पहले चलो तो वन की वन में मल्टीप्लाई वन फिर माइनस के सी ई टू पावर माइनस आई बीटा है ना और फिर इसकी इसमें करेंगे तो माइनस के सी ई टू पावर प्लस आई बीटा और फिर इसकी इसमें करेंगे तो प्लस और सी स्क्वेयर टू दी पार आई बीटा और इ टू माइनस आई बीटा कैंसिल है ना वन हो जाएंगे वो ठीक है ये ड्रोमीटर आ चुका है हमारा अब न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर इसे सोल्व करेंगे तो इ टू आई एल्फा की वन में करेंगे मल्टीप्लाई इ टू द पावर आई एल्फा फिर इसकी इसमें करेंगे तो माइनस के सी इ टू द पावर आई एल्फा है भैया कर रहे हैं ना सी इल्फा माइनस बीटा ऐसे तो लिखेंगे फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो माइनस सी ई टू दावर आई और अल्फा प्लस एन बीटा ठीक है फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो प्लस सी स्क्वेर आगे ई टू दावर आई बताओ कितना आएगा आई आए तो बाहर लिख लो और अल्फा प्लस एन माइनस वन और बीटा क्योंकि ये माइनस में है ना पावर ये माइनस आई बीटा है और ये प्लस के एन बीटा है तो एन माइनस वन हो जाएगी जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो इस प्रकार से हमने ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर को लिख लिया है अब और सोल्व करते हैं आगे देखो अब ईरोपार आई अल्फा को हम लिख लेते हैं कोस अल्फा प्लस आई साइन एल्फा ईरू दीपार आई एल्फा को लिख लेंगे कोस अल्फा प्लस आई साइन ठीक है आगे चलो ये इसको क्या लिखोगे माइनस सी कोस एल्फा माइनस बीटा और माइनस के आई और सी साइन एल्फ़ा माइनस बीटा ये लिख लिया फिर इसे लिखेंगे ऐसे करके माइनस के सी कोस एल्फा प्लस एन बीटा माइनस सी कोस एल्फा प्लस एन बीटा और माइनस के ही आएंगे फिर भी है ना क्योंकि ये प्लस ही प्लस है ना तो माइनस के सी आई साइन अल्फा प्लस एन बीटा माइनस के सी आई साइन अल्फा प्लस एन बीटा ये आ गया और फिर ये रह गया हमारा प्लस सी स्क्वेयर यहां लिख देता हूं इसे प्लस सी स्क्वेयर कोस एल्फा प्लस एन माइनस वन इसे ऐसे बार लगाते तो इसका मतलब खट्टा है ये एल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा और प्लस सी स्क्वेयर आई साइन एल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा ये हो गया हमारा न्यूमरेटर पूरा ठीक है ये पूरा न्यूमरेटर हो गया अब इसके नीचे ड्यूनोमेटर लिखेंगे हर हर देखो वन प्लस सी स्क्वेयर तो हमें कुछ करना ही नहीं है बाकी ये बचे हैं। इसमें से माइनस सी कॉमन लो माइनस सी कॉमन लेने के बाद ये बचेगा ई टू पावर आई बीटा प्लस ई टू दावर माइनस आई बीटा और वो वैल्यू होती है टू कोस बीटा तो टू सी कोस बीटा कैसे लिखा मैंने यहां बता देता हूं देखो मैं हमारा ये अंदर बचेगा ई टू दी पावर आई बीटा और प्लस ई टू दावर माइनस आई बीटा टू पावर माइनस आई बीटा ठीक है ये और इवर आई बीटा प्लस माइनस आई बीटा ये होती है उसी से ठीक है से ही। ना बीटा e की वैल्यू कोश बीटा प्लस आई साइन बीटा और इवर माइनस आई बीटा की वैल्यू कोर्स बीटा माइनस आई साइन बीटा दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे इस तरह से टू कोर्स बीटा आता है तो ये वैल्यू निकल के आ गई हमारी अच्छा हमें निकालना क्या था अभी देखो ध्यान से हमें निकालना क्या था हमें निकालनी थी एस सीरीज साइन वालों को जोड़ निकालना था और यहां देखो जो हमने सी प्लस आई एस लिखा था तो आई वाले की मल्टीप्लाई करी थी है ना तो इसका मतलब इसमें से जो इमेजनरी पार्ट है वो हमारा आंसर है ये जो सोल्यूशन निकल के आया है जो इसमें इमेजनरी पार्ट है वो हमारा आंसर है तो देखो इसके बाद जो है हम हम चूँकि अगर एस सीरीज निकालनी है तो इसमें से इमेजनरी पार्ट्स लेंगे और सी सीरीज़ निकाल रही हैं तो रियल पार्ट्स लेंगे अब जैसे तो तुम्हारे क्वेश्चन में जो है ना ये दिया हुआ है पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है तो अगर सी सीरीज दी हुई हो तो हम एस सीरीज बनाते हैं और एस सीरीज दी हुई हो तो सी सीरीज बनाते हैं और दोनों का ही सम निकल के आता है ये एक साथ तो अगर हमें जैसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा है सी सीरीज निकालनी है तो रियल पार्ट इसमें देख लेंगे कौन कौन से हैं रियल पार्ट्स तो रियल पार्ट हमारे क्या है अल्फा आगे चलो ये रियल पार्ट है माइनस सी कोस एल्फा माइनस बीटा फिर इसमें चलो ये इमेजनेरी आ गया एक ये है रियल पार्ट माइनस सी कोस एल्फा प्लस एन बीटा और एक ये है हमारा प्लस सी स्क्वेयर कोस एल्फा प्लस एन माइनस वन और बीटा इस तरीके से हमने सी ये तो आ गया न्यूमरेटर हमारा अब इसका डिनोमेटर लिख लेंगे हम डिनोमेटर क्या है ये वन प्लस माइनस टू सी कोस बीटा ये तो हमारा सम निकल के आया है up to N terms, जब वो कहता है एन टर्म्स का सम निकालना है सम सीरीज अप टू एन टर्म्स तो ये तो एन टर्म्स का सम निकल के आ गया लेकिन वो अगर ये कहता है कि सम अप टू डिड्यूस जैसे इसने कह रखा है रिड्यूस द सम टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक का सम निकालना है तो अगर कहीं ऐसी समस्या आती है कहता है तो देखो इसने अपने आप भी दे रखा है कि सी की जो वैल्यू है ना वो लेस देन वन है लाइज बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन जिसने सी बोल रखा है कि सी की वैल्यू माइनस वन और प्लस वन के बीच में है तो इसका मतलब मोड सी लेस देन वन हो गया ये ठीक है ना मोड का मतलब तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो ये वन से कम कम है तो अगर ये वन से कम है तो इसका मतलब जहां भी हमारा c टू पावर एन आएगा उसको हम जीरो लेंगे ठीक है जहां भी हमारा c टू पावर एन है कहीं भी अगर है इसमें तो ये देखो ये इसमें आ रहा है यहां यहां ये कितना आ रहा है ये हमने कुछ गलत लिखा है भाई e टू दावर आई एल्फा माइनस सी टू पावर एल आई एल्फा माइनस बीटा और ये कितना आ रहा है सी टू पावर एन है ये ये हमने गलत उतार रखा है यहाँ सही कर लो ये सही है सी टू पावर एन है क्योंकि ये सी जो है ना बीटा के साथ में था जब यहाँ एन आ रहा है तो यहाँ भी एन है ये सी टू पावर एन है और यहाँ भी ये एन प्लस वन है पावर सी की पावर ठीक है ऊपर लाइन देखो उसमें ऊपर से उतारोगे जब तुम तो सी की पावर आ रही है ये अच्छा जब ये सी की पावर आ रही है तो सी यहाँ भी है हमारा ये तो सी सही है ये सी की पावर है ये वाली सी की पावर एन और यहाँ पर है सी टू दावर एन प्लस वन और ये भी सी टू दावर एन प्लस वन है अच्छा जब ये भी ये पावर जो है हमारी सी की पावर ये एन है ये एन प्लस वन है अगर ये पावर हमारी एन या एन प्लस वन आती है ज्यादा आ जाए सी की पावर एन है तो इसकी वैल्यू जो है हम टेंस टू जीरो लिखेंगे सी की पावर एन टेंस टू जीरो क्योंकि देखो तुम जैसे एक बार सोच के देखो तुमने कोई नंबर लिया चलो सिंपल सा बता रहा हूँ वन बाई टू की पावर वन तो वन बाई टू वन बाई टू की पावर टू कितना हुआ वन बाई फोर वन बाई टू की पावर थ्री वन बाई एट वन बाई टू की पावर फोर वन बाई सिक्सटीन ये देखो जरा वैल्यू ये घटती जा रही है सारी ये तो पॉइंट कितना है फाइव पॉइंट टू फाइव आधा हो गया उसका फिर पॉइंट टू फाइव का आधा पॉइंट वन टू फाइव फिर उसका आधा तो ये जो वैल्यू है ये कम होती जा रही है तो अगर c की पावर n लेंगे हम n की वैल्यू इन्फिनी लेंगे तो ये वैल्यू घटते 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 डिक्रीज इज अप टू तो ज़ीरो द वैल्यू डिक्रीज इज़ अप टू तो जीरो तो c की पावर n जो है वो जीरो वैल्यू लिख लेंगे हम इसमें तो ये ये टर्म और ये टर्म छोड़ देंगे तो अगर ये कहता है जब इन्फिनिटी टर्म्स का सम निकालने के लिए, के लिए कहता है तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कोस अल्फा माइनस सी कोस अल्फा माइनस बीटा ओवर वन प्लस माइनस टू सी कोस बीटा ये आंसर आ जाएगा इसका अगर ये कहता है हमारा ये तो था एन टर्म्स का सम ये कह रहा है अगर इन्फिनिटी टर्म्स का सम निकालना हो तो ये आंसर आएगा इसका देखो दूसरे के पहले में है ना ये है कोस अल्फा प्लस कोस प्लस बीटा ये ये नहीं है बस सी नहीं है ये तो आसान है और भी सी की वैल्यू वन है बस ये आंसर आ जाएगा उसका भी सी की वैल्यू वन रख दो तो ला के आंसर में ठीक है फर्स्ट और सेकंड दोनों इसी तरीके से हो रहे हैं अच्छा थर्ड में क्या है थर्ड में बता देता हूं मैं थर्ड में ये अल्फा प्लस बीटा की जगह बीटा को भी अल्फा ही रख रखा है यानी कि अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा लिखा है इसने इसने क्वेश्चन क्या लिखा है मैं बता देता हूं देखो ये लिखा है वन प्लस सी कोस अल्फा क्वेश्चन है इसका वन प्लस सी कोस अल्फा प्लस सी स्क्वे कोस टूएल्फा तो सी स्क्वेयर कोस टूएल्फा को लिख लेंगे हम अल्फा प्लस अल्फा इस तरीके से इसने लिख रखा है ये क्वेश्चन और बिल्कुल सेम इसी तरीके से हो जाएगा अब देखो तुम इसे करके कर देखो एक बार